की पार्टी की तैयारी लग गई है गाइस। अब सबसे पहले सेपू बड़ी का। ओह राजमा तो खत्म ही की मीठा कैसा बना है। दो सौ मीठा अच्छा बना था। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी गाइस? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी जो है शाम का टाइम हुआ है, इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से। साथ ही में लग चुकी है बढ़िया वाली बारिश, ये देखिए। तो मैं रेडी भी हो गई हूँ क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ कलमा। गलमा इस रीज़न से जाने वाली हूँ क्योंकि कल है पापा जी का बर्थडे, तो आज वहाँ पे जा रही हूँ और कल उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, फिर आ जाएंगे घर वापस। तो बारिश भी लग चुकी है, गाड़ी में जाने वाली हूँ। फिलहाल निकलती हूँ अभी बिना लेट हुए और मिलवाऊँगी गलमा में फिर सभी से आपसे। तो ओके निकलते हैं फिर। पहुंच गए गाइस गुलमा में। बारिश बहुत पड़ी थी, गाड़ी ऊपर हमने खड़ी करी और नीचे भीगते भीगते आ गए। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था गाइस, कल है पापा जी का बर्थडे। पापा हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। बाकी तो कल पार्टी शार्टी होगी है ना। फिलहाल अभी थोड़ा चाय पानी करते हैं, है ना। तो गाइस अभी जो है देखिए बारिश हल्की हल्की सी लगी है। पहले जब हम आए थे तो बहुत तेज़ बारिश लगी हुई थी, बट अभी जो है बहुत हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ठंडा ठंडा सा भी, और ऐसी ठंडी में गर्मी के दिनों में थोड़ी ऐसी बारिश हो जाए तो सोने का भी बहुत मज़ा आता है। तो खाना खाएंगे, उसके बाद ही रेस्ट करेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे छत पे घूम रहे हैं और बारिश का मजा ले रहे हैं। सुबह की पार्टी की तैयारी लग गई है गाइस। अभी कद्दू काटा जा रहा है, ये देखिए कद्दू का खट्टा बनेगा और कद्दू का ही मीठा बनेगा। हाँ जी, मम्मी लगे खाना खाने। आलू मटर की सब्जी और चपाती हमने तो खा लिया भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत प्यारी सी सुबह हो चुकी है और जैसे कि आपको पता ही है हम गलमा में आए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले चलेंगे किचन में। जैसे कि मैंने आपको बताया था आज है पापा जी का बर्थडे, तो रसोई बनके रेडी हो चुकी है। अभी पंडित जी आएंगे, थोड़ा पूजा पाठ का काम होगा। फिलहाल अंदर चल के बताती हूँ कि क्या क्या बना है आज खाने में। और बर्थडे बॉय यहाँ पे। पापा हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। कितने साल के हो गए आप? 55 ईयर। वाह, चलो बहुत बढ़िया। तो आज ये दोनों जने 3 बजे के उठ गए हैं। इधर क्या क्या बन के बना हुआ है? चावल बन के रेडी है। इस कुकर में क्या है? इसमें है माँ की दाल, माँ की दाल, खट्टा मीठा, राजमा, कड़ी, और अब बनने जा रही है सेपू बड़ी, है ना, जो कि लास्ट डिश बची है। तो गाइस आइए और आप भी भात खाइए। क्योंकि पापा जो है बहुत टेस्टी सब्जी बनाते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी छोटा मोटा लगा होता है तो तड़का जो है सारी सब्जी को पापा ही लगाते हैं। तो पापा के हाथ की बनी सब्जी की बात ही कुछ और होती है। नहीं नहीं, मम्मी भी बनाते हैं पर पापा ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, है ना मम्मी? हाँ जी, हाँ। तो चलो ठीक है, पंडित जी आएंगे फिर थोड़ा पूजा पाठ भी होगा। गाइस अभी हो गया खाने का टाइम। सबसे पहले मैं तो करने वाली हूँ पेट पूजा, भूख लग गई है जोरों की, और स्पेशली ऐसी डिशेस बनी होती है तो फिर उनको देख के ज़्यादा ही भूख लगती है। तो खाना खा लेते हैं अभी। सबसे पहले सेपू बड़ी का लुफ्त उठाते हैं। ओहो राजमा तो खत्म ही हो गई।
अब खाएंगे मीठा। सबसे पहले सेपू बड़ी, फिर राजमा। अब देखते हैं कि मीठा कैसा बना है। दो सब्जियां तो बहुत टेस्टी बनी थी। मेरे को तो थोड़ा सा देना मीठा, मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ। बस अब मीठे के बाद खट्टा। मीठा अच्छा बना था, खट्टा भी अच्छा लग रहा है देखने में। बस थोड़ा थोड़ा ही चाहिए मुझे। अब बची है लास्ट सब्जी, माँ की दाल और कड़ी। सिपू बड़ी मैंने खा लिया, फर्स्ट स्टार्टिंग में नहीं खाई थी। राजमा खाते थे स्टार्टिंग में, थोड़े से सिपू बड़ी खाई थी यार। कड़ी ले आऊं? हाँ कड़ी भी दे दो। खाना खा के हो गए फ्री गाइस, तो बहुत टेस्टी खाना बना था, मज़ा आ गया खा के। इधर पूजा के लिए भी सामान रेडी है गाइस, बस पंडित जी का वेट हो रहा है। पापा तो वेट कर करके थक गए। भूख तो नहीं लगी? बस नेक्स्ट पार्टी भी आ गई है गाइस यहाँ पे, और खत्म भी कर दिया ये हमारे भाई साहब। कैसा बना है खाना? हेलो गाइस, हाय, आ जाओ सब खाना आ जाओ सब ही पत्ते खाने। इंदु के पापा ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। बिना खाया गया है। ये हमारे मोना दीदी, अच्छा बना है खाना। आप कैसे हो? ठीक हो? मैं बढ़िया हूँ, देखो घंटे करती हूँ। देखो कमजोर हो रही हूँ। देखो कमजोर हो रहे हैं दोनों। बस थोड़ी सी कमजोरी आ गई है बस। थोड़ी सी कमजोरी है बस, एक पत्ती लगी और फिर हो जाएगी कमजोरी, ठीक है ना? ओ तुम इतने पीछे गाइस अभी गलमा से कर रहे हैं प्रस्थान, क्योंकि घर जाना है, घर में भी थोड़ा काम है, तो फिर से आएंगे यहाँ पे। खाना वाना खा लिया, अभी पूजा ही लगी हुई थी तो हमें घर में थोड़ा काम है, इसलिए करके जल्दी निकलना पड़ रहा है। तो अगला व्लॉग जो आने वाला है वो भी बहुत स्पेशल रहेगा, सभी ज़रूर देखना। फिलहाल निकलते हैं अभी घर के लिए। पहुंच गए गाइस अभी हम घर में, तो साथ में करते हैं इस वाले व्लॉग का भी एंड। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर।